तालिकुम व्यूअर्स, लेजेंड लीग वर्ल्ड कप प्रेजेंट आईसीसी वर्ल्ड कप जुनून के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। एक इंफरादी शख्स से कभी भी आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, तमाम लोगों को एक साथ मिलकर किसी भी मंजिल के लिए कोशिश करनी पड़ती है। और आज का जुनूनी टाकरा, सबसे इंपॉर्टेंट मैच वर्ल्ड कप का होने जा रहा है जनाब, आज न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड के आज के मैच के जीतने की से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छा खेल रही है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में आज का मैच कौन जीतेगा देखना हमने ये है, क्योंकि इस मैच से चार सेमीफाइनल में चौथी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इंग्लैंड का फैसला होगा। इससे पहले कि हम मैच की बात करें, सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ कराते चलें। हमारे साथ शामिल हैं सीनियर तजियाकार जनाब शुएब हबीब साहब, उसके साथ तशरीफ फरमा है सीनियर स्पोर्ट्स कंसल्टेंट, और इसके साथ साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 1979 में उन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, जनाब तौफीक तरमेजी साहब। साथ तशरीफ फरमा है यंग एनालिस्ट जनाब वासिक साहब, और इसके साथ साथ हमारे कमेंटेटर और एनालिस्ट जनाब जावेद खलील साहब। आप तमाम लोगों को अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। शुक्रिया आपका सर। शेब भाई, आज बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट मैच, नेल बाइटिंग मैच। मैं हमेशा यूं कहता हूं कि इस मैच से ये फैसला होने जा रहा है कि कौन सी चौथी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। तीन बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड थर्ड वन इज इंग्लैंड। देखना यह है कि इंग्लैंड आज का मैच जीतती या नहीं जीतती। आप इस मैच को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जो हमने पिछले तीन चार मैच कर रहे हैं और जो देखे वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये मैच जो है जो आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हो रहा है, ये तो इंग्लैंड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। इंग्लैंड को ये मैच हर हाल में जीतना, अगर इंग्लैंड ये मैच जीतता है तो फिर टॉप फोर में उसके आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, जहाँ तक क्रिकेट की बात है, दोनों टीमें बड़ी बैलेंस हैं। न्यूजीलैंड बड़ी अच्छा खेलती हुई आ रही है। न्यूजीलैंड ने अभी लास्ट मैच पाकिस्तान से हारा ज़रूर है, लेकिन उसमें भी वो देखे कहाँ से उठ के कहाँ अपनी टीम को किस पोजीशन में ले आए थे। अच्छा, जहाँ तक ये मैच की कंडीशन की है और ये पिच वगैरह का, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इस मैच में इंग्लैंड के फेवर में हैं, इंग्लैंड के फेवर में, और मेरे ख्याल में क्राउड को हमें एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा मैच देखने की एक्सपेक्टेशन है। और तौफीक भाई, मैच इंग्लैंड के लिए बहुत ही वाइटल और वैल्यू रखता है, क्योंकि इससे उनकी तमाम प्राइड, रिस्पेक्ट और सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कान जो हैं वो डिपेंड करते हैं। क्या समझते हैं कि इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस मैच के लिए? डिफेंसिव जाना चाहिए या अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए? देखिए, एक तो जो दोनों टीमों के दरमियान अगर जो मैच हो रहा है, अगर हम वर्ल्ड कप की थोड़ी सी हिस्ट्री उठा के देख लें तो हमेशा न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दी है और काफ़ी हद तक अपर हैंड रही है वर्ल्ड कप के हवाले से। और इंग्लैंड की टीम जिस तरह से इस वक्त आई थी और मैचेस जिस तरह शुरू हुए थे और वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, तो बड़ी हॉट फेवरेट टीम कहा जाता था और नंबर वन टीम कहा जाता था, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह शिकस्त दी थी उसके बाद काफ़ी हद तक वो ढह गई थी। और उनमें जो प्रेशर की बात अगर हम करें तो इंग्लैंड में हमने देखा है कि वो प्रेशर ले नहीं पाते, उनके लिए प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड की टीम हमेशा बड़ी अंडर प्रेशर भी खेलती है और प्रेशर डालती भी है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। और उनके जो कप्तान है ख़ास तौर पर विलियमसन, जो कि आप जिस तरह से शुएब ने बात की है कि पाकिस्तान का जो मैच हुआ था वो आखिरी दो रन्स जो चाहिए थे उस वक्त तक वो जिस तरह से इन्वॉल्व था ग्राउंड में, हम देख रहे थे उसकी बॉडी लैंग्वेज कि लग रहा था कि वो एक आध और आउट करने के चक्कर में है कि किसी तरह से एक आध और आउट किया जाए। ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ होती है। और ये जो बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप के जितने भी कप्तान हैं, मैं समझता हूँ कि नंबर वन कप्तान जो है वो विलियमसन है और उनमें वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। और हमेशा याद रखिए, लड़ती नहीं है टीम, लड़ाई जाती है। और लड़ाने वाला अगर कोई सही बंदा होगा आपके पास, कमांडर हो कोई सही होगा, तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। और जो इस वक्त अंडर प्रेशर है इंग्लैंड की टीम, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं उनको, और वो इस तरह से वो जो स्टार्ट से हम समझ रहे थे कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सर्वाइव करेगी, लेकिन वो प्रॉब्लम आई है उनको। और एज जो हासिल है वो न्यूजीलैंड की टीम को ज़्यादा हासिल है, और मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड ज़्यादा कंट्रोल से, क्योंकि बैटिंग लाइनअप के हवाले से भी हम ज़ाहिर बाद में बात करेंगे, लेकिन जो जो चीज़ें बज़ाहिर नज़र आ रही हैं वो उसमें थोड़ा सा एज हासिल है न्यूजीलैंड की टीम को। कैन विलियमसन वासिक बहुत ही थिंकिंग कैप्टन, और जिस तरह तौफीक भाई ने बताया कि बहुत ही ब्रेव भी हैं और उसके साथ साथ उसकी स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी है,
बड़े जो एग्रेसिव नजर आते हैं और जिसे उनमें कायदाना सलाहियतें दूसरों से उन्हें मुमताज करती हैं, क्या समझते हैं केन विलियमसन की कैप्टनसी को अगर हम इन मॉर्गन की कैप्टनसी से कंपेयर करें तो कौन सा कैप्टन आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है? देखिए जी, मुझे तो दोनों कैप्टन बहुत ज़बरदस्त नज़र में आ रहे हैं, लग रहे हैं। एन मॉर्गन ने भी बहुत अच्छे से अपने आप को पूरे वर्ल्ड कप में कैरी किया है, और ना सिर्फ कैरी किया है बल्कि एक बड़ी इनिंग भी खेली है एज ए कैप्टन। और दूसरी तरफ देख लें तो केन विलियमसन ने भी एज ए कैप्टन बहुत बड़ी इनिंग खेली थी, 148 नॉट आउट गए थे वो एक इंपॉर्टेंट मैच में। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर मैं जो हूँ अपर एज दूंगा एन मॉर्गन को, क्योंकि केन विलियमसन ने पिछले मैच में जो पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजी जो अपनी टीम लेकर के गए थे अनचेंज लेकर के गए थे, मेरा ख्याल है यहाँ पे वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए थे, क्योंकि जो पिच पे पाकिस्तान के साथ खेला था वहाँ पे एक और एक स्पिनर को ऐड करना चाहिए था उनको, इश तोडी को, जिस तरीके से टर्न ले रहा था पिच। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि केन विलियमसन ने इतनी चलाकी से काम नहीं किया, उन्होंने यही बोला कि शायद हम पार्ट टाइमर स्पिनर जो केन विलियमसन खुद करते हैं, मुनरो भी कभी कभार बॉलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैप्टनसी के लिहाज से तो एन मॉर्गन अच्छे कप्तान हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम बिल्कुल प्रेशर में आ चुकी है, जिस तरीके से वो श्रीलंका को बहुत ही लाइट लेकर के हारे हैं, तो यहाँ पे इंग्लैंड की टीम बहुत प्रेशर में आई हुई है। इंग्लैंड को जीतना है, लाजमी जीतना है, ना सिर्फ सेमीफाइनल के लिए जाने के लिए बल्कि अपनी साख बचाने के लिए भी जीतना बहुत ज़रूरी है। जावेद भाई, डू यू थिंक उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी मिस की है केन विलियमसन ने स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से अगर बात की जाए? और दूसरी बात यह है कि न्यूजीलैंड को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं और रीसेंट पास में जिस तरह से न्यूजीलैंड ने परफॉर्म किया है उससे तो साफ नजर आता है कि न्यूजीलैंड जो है वो इंग्लैंड से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इंग्लैंड रैंकिंग में टॉप पे है, ICC ODI रैंकिंग में नंबर 1। तो क्या रीजन है इन दोनों कैप्टन को अगर हम देखते हैं, क्या रीजन है, कौन सा कैप्टन आपको बेहतर लग रहा है एज फार एज द लीडिंग इज कंसर्न्ड? नहीं, मेरे ख्याल से तो जिस तरह से तौफीक भाई ने बात की कि विलियमसन की कैप्टनसी ज़्यादा बेहतर है, उस दिन देखें पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर गए बाबर आजम जिससे तवक्का की जा रही थी, और फिर उसके बाद हारिस सुहेल, दोनों ने मिलकर के जो पार्टनरशिप लगाई तो वहाँ बैकफुट पे ले गए वो न्यूजीलैंड को, वरना उनकी कप्तानी में कोई कमी नहीं थी, बॉलर्स पूरी तरह से गेम प्लान के साथ चल रहे थे। लेकिन जहाँ तौफीक भाई ने बात की कि वहाँ आखिरी वक्त तक वो लड़ते हुए दिखाई दिए, जब सिर्फ 2 रन चाहिए थे पाकिस्तान को, लेकिन वहाँ उनके फील्डर ने जो है रन आउट भी किया हारिस सुहेल को, और ये चीज़ जो है वो आपको दिखाती है कि कितने प्रोफेशनल होकर के खेल रहे हैं। एक ही रन क्यों ना चाहिए हो, लेकिन फाइटिंग करनी है, आखिरी वक्त तक लड़ना है, तो वो लड़ते हुए दिखाई दिया। अपनी टीम को लड़ाने में जो है केन विलियमसन ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं मॉर्गन की नस्बत, तो मेरे ख्याल में अपर जो है वो न्यूजीलैंड को ही हासिल है। शुएब भाई, एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जावेद भाई ने, आप ये देखिएगा पाकिस्तान में मिजाज और गुरों के मिजाज में ये फ़र्क हमेशा हमने देखा, हम मूवीज में देखते हैं, हम आम जिंदगी में देखते हैं, वो आखिर दम तक फाइट करते हैं। पाकिस्तान में ये लैकिंग क्यों है हमारे लोगों में कि हम आखिर दम तक अपना साथ छोड़ जाते हैं, हिम्मत छोड़ जाते हैं? हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, ये रीज़न स्पोर्ट्स में क्यों नहीं है पाकिस्तान? अच्छा देखें, ये जहाँ तक अभी कप्तानी की बात हो रही है, ये लोग नो डाउट बिल्कुल सही बोल रहे हैं, न्यूजीलैंड कैप्टन वन ऑफ द बेस्ट है। एक मैच को ये अभी रिसेंटली मतलब मिस कर रहे हैं, वो जो उसने वेस्ट इंडीज से मैच जीता वो भी ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच, बिल्कुल लास्ट बॉल पे ब्रेथवेट के जो आउट हो गए, बिल्कुल। अच्छा दूसरी चीज़ ये, जहाँ तक मॉर्गन की कप्तानी का बात हो रही है, मॉर्गन ने एज ए कैप्टन कोई मैचेस नहीं जीते, उसके बैट्समैनों ने मैच जीता है, सही, उसके बैट्समैनों ने मैच जीता है। अच्छा, हाँ आपका सवाल मैं जरा मिस कर गया, जरा जी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारे यहाँ ये मिजाज क्यों है, हमारे ये स्टाइल क्यों है कि हम हिम्मत छोड़ देते हैं लास्ट वक्त में, हालांकि ज़िंदगी में हर मोड़ पर हर जगह पर आपको आखिर दम तक हिम्मत रखनी चाहिए। ये इसका जवाब मैं इस तरह दूंगा, हम हिम्मत नहीं छोड़ते, हम हर चीज़ को पहले से ज्यूम कर लेते हैं। सही। हम क्या ज्यूम कर लेते हैं, मैं अभी फ़कर ही की मिसाल दे देता हूँ कि फ़कर रन करेगा और नहीं कर रहा तो वो हम जिद में ले जाते हैं। अब जैसे हमारे दूसरे ओपनर थे, वो जो डेब्यू में जिस लड़के ने 100 करा, आबिद अली उस 100, उसके मुताबिक इन्होंने क्या सोचा, इसने अब 100 कर दिया, अब वो अब नहीं करेगा, तो हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट ये है, बाकी हमारे में कोई कमी नहीं है। फाइटर तो हम बहुत बड़े हैं और गिर के उठना तो हम बहुत अच्छी, ये कॉम तो है ही गिर के उठने वाली कॉम है, और उठती है तो फिर ऐसी उठती है कि इसको कोई दोबारा गिरा नहीं सकता। कॉम में जो है वो पहले से हर चीज़ का रिजल्ट ले लेते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। सर ये अजम्पशन बेसिस पे टॉपिक भाई, ये जो शुएब भाई ने बात की है, क्या आप इसको सेकंड करेंगे कि अजम्पशन बेसिस पे हम चलते हैं, अज्यूम कर लेते हैं किसी के भी हवाले से कि जनाब ये शख्स अच्छा है, ये बुरा है, ये परफॉर्मेंस अच्छी होगी या ये नहीं होगी, हालांकि हम ऑन ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट होती है। बिल्कुल सही कहा आपने,
और शोएब सही कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ की एक कल्चर है हमारा, और हम बिल्कुल एक सोच लेते हैं कि यार ये करेगा और वो नहीं होता तो फिर वो जाहिर है उस पर वो तनकीदें शुरू हो जाती हैं और फिर मुश्किल होती हैं। और बात हम फिर वापस क्रिकेट पे आएंगे और ख़ासतौर पर जो मैच है इंग्लैंड का और इंग्लैंड का मैच है, उसमें देखें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो जो प्रॉब्लम आ रही थी जो थ्रू आउट वर्ल्ड कप मैंने देखा है कि किसी भी कप्तान ने सही तरीके से विकेट को रीड नहीं किया। और जो प्रॉब्लम आई है जिस तरह से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच जो था वो अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता तो यकीनन पाकिस्तान भी बैटिंग करता, सही ठीक है ना, वो क्योंकि रीड नहीं कर पाए थे ना, उनके कप्तान ने सही रीड किया था विकेट को, वो तो जो ऊपर से जिस तरह से नज़र आ रही थी विकेट और जो चीज़ समझ में आ रही थी जाहिर है जो वो बिहेव नहीं किया, उसकी वजह ये थी कि देखें सेंटनर बड़े खतरनाक उन्होंने गेंदे किए हैं लेकिन उन्होंने सही जगह पे अगर वो गेंदे करते तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती थी। और ख़ासतौर पर जैसे वो एच सूदी की बात कर रहे हैं, अगर वो विकेट को सही रीड करते कि स्पिन होगा इसमें बाद में तो फिर वो यकीनन उसको भी ड्रॉ नहीं करते बल्कि खिलाते उनको। अच्छा एक चीज़ और भी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पाकिस्तान जिस तरीके से इनिंग खेला है और ख़ासतौर पर बाबर आजम जो इनिंग खेला है, मैं कहता हूँ वो तारीखी इनिंग है, वो मुद्दतों याद रखी जाएगी और उनकी जो क्लास थी वो मुझे पूरी नज़र आई है कि एक टॉप क्लास बैट्समैन जिस तरीके से विकेट पे खड़ा रहता है और एक जिम्मेदारी जैसे ली रहे और फिर हारिस हुए, इन दोनों ने जिस तरह से जिम्मेदाराना तरीके से बैटिंग की थी वो तारीफ के काबिल है। लेकिन वो जो बात आ जाती है वहीं पर के जो इंग्लैंड का और उनका जो मैच है वो जिस अंदाज से इस तरह होगा मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, इतना आसान मैच नहीं होगा और क्योंकि इनके पास सारी क्वालिटी के बॉलर मौजूद हैं, सब चीज़ें हैं इनके पास। तो ठीक भाई आप बात करते हैं मुश्किलात की, और मुश्किलात की हमारे प्रोग्राम में मुश्किलात है जनाब, हमारे प्रोग्राम में मुश्किलात ये है कि हमें प्रोग्राम में जाना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के लिए, प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद, सो टेक अ ब्रेक, वेलकम बैक। लेजेंड लीग वर्ल्ड गुड प्रेजेंट आईसीसी वर्ल्ड कप जुनून, और जनाब आज जुनून है बहुत इंपॉर्टेंट जुनून, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड आज का मैच जीतना चाहता है लेकिन इंग्लैंड की जीत बहुत डिपेंड करती है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा या नहीं, क्योंकि इंग्लैंड अगर इस तरीके से परफॉर्म करता रहा तो उनके चांसेस मुश्किल नजर आ रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम से बड़ी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि मैचेस भी सब इंग्लैंड लंदन और वेल्स में हो रहे हैं, इंग्लैंड और वेल्स में हो रहे हैं, और इंग्लैंड की साइड जो है अगर देखा जाए तो इयान मॉर्गन की वर्ल्ड कप की ये इनिंग्स जो उन्होंने खेली वो कभी नहीं भूली जाएगी, जिसमें उन्होंने 17 छक्के लगाए और इस तरह से उनसे एक दोबारा भी एक ऐसी इनिंग्स की तवक्कात की जा सकती है। हम बात कर रहे थे इस मैच में बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग और उनके साथ साथ उनकी स्ट्रेटेजी की, अब हम बात करेंगे बैटिंग के हवाले से कि इंग्लैंड की बैटिंग को अगर कंपेयर किया जाए न्यूजीलैंड के साथ तो कौन सी टीम बैटिंग में ज्यादा जो है वो प्रेफर है। जी वासिक आपसे बात करते हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से, किस टीम की बैटिंग लाइन आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है? बिल्कुल इंग्लैंड ने जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट में बहुत बड़े बड़े टोटल बनाए हैं बैटिंग पहले करते हुए भी और चेस करते हुए भी, तो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड की बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑल दो उनका जो रेगुलर ओपनर है जेसन रॉय वो इंजर्ड है, आई गेस इस मैच के लिए फिट है, एलेक्स सेल्स भी नहीं है टूर्नामेंट में, आई गेस इस मैच के लिए फिट है नहीं है मुझे अभी इसका नहीं मिल, लेकिन अगर जेसन रॉय भी अगर वापसी आ जाता है तो उसके लिए बिल्कुल आते के साथ ही गैप के बाद स्टार्ट लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी आता तो विंस जो है इनका वो इतना फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास बेहतरीन बैट्समैन है डेप्थ तक अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच, कियन मॉर्गन जॉस बटलर आप देख रहे हैं जियो जॉय रूट और पूरी की आपने ओपनिंग उनकी जबरदस्त है, ब्रिस्टो भी कोई अच्छी लंबी इनिंग खेल सकते हैं। बिल्कुल आपने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच देखा टॉप ऑर्डर भी फेल हो गया मिडिल ऑर्डर भी फेल हो गया बटलर भी फेल हो गया, लेकिन फिर जो है स्टोक्स ने एक अच्छी फाइट दी थी ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को अच्छी हिटें लगाई थी और उसके बाद लियम प्लैंकेट हो गए वोक्स हो गए, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर में है, लेकिन प्रेशर के बावजूद भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप न्यूजीलैंड की बैटिंग ऑर्डर को देखते हैं तो मैं आपके शो में पहले भी बोल चुका हूँ कि मुनरो और गप्टिल उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आज थ्रू से एक नई इनिंग की तवक्का है। बिल्कुल गप्टिल को अब खेलना पड़ेगा अगर जो वो टूर्नामेंट के आगे के मैचेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यहाँ पे शायद चेंज करें मुनरो की जगह जो है ये निकोलस
को चांस दें जो जो कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है लेकिन ओपन भी करते हैं, तो बिल्कुल न्यूजीलैंड की बैटिंग जो है यहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोर दिखती है। जिस तरीके से मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि न्यूजीलैंड के अगर अगर आप रॉस टेलर और विलियमसन को जल्दी निकाल लेते हैं तो न्यूजीलैंड 200-225 के अंदर डेढ़ हो सकती है। जनाब जावेद भाई, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि दो खिलाड़ी आपके अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की सबसे मार्टिन गुप्टिल और उसके साथ साथ केन विलियमसन, और यहाँ से आप देखें अगर तो इयान मॉर्गन और जॉय रूट, ये दो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बैट्समैन दोनों साइड्स पे हैं। आप देखेंगे इनकी बैटिंग लाइनअप को दोनों टीम की, तो उस बैटिंग लाइनअप में आपको एज किस बैटिंग लाइनअप पे नजर आता है? देखिए एज मैं दूंगा न्यूजीलैंड को, सही, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2-3 मैच इंग्लैंड की टीम हारी है तो मैं नहीं समझता कि वो इस मैच में परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि ये दोनों टीमें आपस में बहुत खेली हुई हैं, एक दूसरे के बॉलर्स को जानते हैं, तो बैट्समैन जो है वो मेरे ख्याल में कुलेदी किरदार अदा करेंगे, और न्यूजीलैंड के बैट्समैन और खुसूसन जहां आपने बात की थी कप्तान की, तो कप्तान जो है वो अगर कोई तसलसल के साथ परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया तो मुझे विलियमसन ही है, तो उसने थोड़ी बहुत तसलसल के साथ परफॉर्म दिए। इंग्लैंड के कैप्टन ने मॉर्गन इतनी तसलसल के साथ नहीं खेले, तो मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड की टीम ज़्यादा बेहतर है, उनके बैट्समैन ज़्यादा बेहतर हैं और उनको एज हासिल है। शुएब भाई, अगर हेड टू हेड देखते हैं मैचेस में तो हमने ये देखा है कि इंग्लैंड की परफॉर्मेंस हमेशा न्यूजीलैंड से बेहतर रही है। वर्ल्ड कप में थोड़ा सा ये डिफरेंट सिनेरियो आ रहा है इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम जो है ऑन पेपर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है और परफॉर्मेंस भी बेहतर नज़र देती हुई नज़र आ रही है। क्या समझते हैं कि इंग्लैंड को एक हार्ड टाइम देगी न्यूजीलैंड? देखिए नो डाउट हार्ड टाइम देगी, और आपने बड़ी अच्छी बातें करी हैं, अभी सवाल कर रहा है। देखिए इंग्लैंड को जो एडवांटेज है ना, होम क्राउड का एडवांटेज है। अच्छा फिर ये जो इस ग्राउंड की कंडीशन है, जो पिचेस हैं, ये सारी इंग्लैंड के फेवर में है। अच्छा जिस तरीके से इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप चल रही है, मॉर्गन वगैरह ये खड़े हो गए तो ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन इन द एंड मैच एक बहुत अच्छा होगा अगर आप मुझसे इंग्लैंड को इंग्लैंड अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाएं तौफीक भाई तो ही मैच में कम बैक कर सकती है इंग्लैंड की टीम, क्योंकि इंग्लैंड जो है जिस तरीके से अब जो क्रिकेट खेल रही है वो एक रवायती क्रिकेट नजर आ रही है। रन्स तो ढेर अंबार लगा लेती है लेकिन डिफेंड नहीं कर पाती है, हालांकि उनके पास बॉलर अच्छे हैं, मार्कवुड देखा जाए, आर्चर देखा जाए, वुड को देखा जाए, लैम प्लैंकेट को देखा जाए, आदिल रशीद को देखा जाए, मुइन अली को देखा जाए, पूरी बॉलिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन वो बॉलिंग लाइनअप वैसे डिलीवर नहीं कर सकती, उसमें कुछ रेलू कट्टे हैं जिसे हम इमरान खान कहते हैं, स्पेशलिस्ट नहीं है, तो ये स्पेशलिस्ट ना होने की वजह है या इंग्लैंड की कोई स्ट्रेटजी नहीं है? नहीं देखिए स्ट्रेटजी वगैरह सब बनाते हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि जाहिर है वो इतनी बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं और उनके पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिसपे वो उनके पास जो क्वालिटी बैट्समैन भी हैं बॉलर भी हैं और उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर मवाजना हम करें तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम को ज़रा एज हासिल है। उसकी वजह ये है कि उनके पास जो बॉलिंग अटैक है न्यूजीलैंड का वो बड़ा खतरनाक है, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा प्रेशर से वो बॉलिंग कर सकते हैं, पेस उनके पास ज़्यादा है, ट्रेंट बोल्ट बड़े खतरनाक हैं, फर्गुसन की अगर हम बात करें वो बड़े खतरनाक हैं, और वो जो मार्क हेनरी ये वो क्वालिटी बॉलर हैं जो कि किसी भी टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम तो मवाजना जाहिर है पाकिस्तान से ही कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया था और जिस तरह पाकिस्तान रन्स कर रहा था और जो टिपिकल विकेट पे पाकिस्तान ने वो पाकिस्तान ही कर सकता था, लेकिन अगर आप बात करें इंग्लैंड के हवाले से तो न्यूजीलैंड को थोड़ा सा एज यूँ हासिल है कि अगर न्यूजीलैंड की विकेटें देखें तो वहाँ पर सीमी विकेटें ज़्यादा हैं, वहाँ पर स्विंग और सीम ज़्यादा होती है वहाँ पर, और वहाँ पर बैट्समैन के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो उन विकेटों पे खेले हुए हैं, और फिर जो विकेटें बन रही हैं अब वर्ल्ड कप के हवाले से जाहिर है बैट्समैन के फेवर की विकेटें होती हैं और रन्स जाहिर बनाने की ज़्यादा उसमें गुंजाइश होती है, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, और न्यूजीलैंड ज़्यादा बेहतर तरीके से अपरेंट भी है और उनके पास क्योंकि वो सारी चीज़ें सारे हथियार हैं उनके पास जो कि उनको ढेर कर सकते हैं। और अगर इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड इस वक्त बड़ी बैकफुट पर है, इंग्लैंड को बहुत डाउन है उनका और उनको उनके लिए मुश्किल हैं, लेकिन क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और अगर मुवाजना इन दोनों का करें तो प्रेशर जब भी आएगा, याद रखिएगा अगर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान मैच हो रहा है और प्रेशर जब आएगा तो इंग्लैंड की टीम वो प्रेशर बेहतर सस्टेन करेगी, नहीं मुश्किलात में आएगी और न्यूजीलैंड की टीम जो है ना वो झेलना जाती है, वो सस्टेन कर लेगी। अब हम बैटिंग की बात कर रहे थे वासिक, और बैटिंग के हवाले से मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं हमारे पैनल्स के। अब बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं तो बॉलिंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इशू पर हम बात करना चाहते हैं, टीम साउथ ही अब तक मौका नहीं हासिल कर सके न्यूजीलैंड में, और बड़े अच्छे बॉलर हैं, बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं और बहुत अच्छी लाइन पे बॉल करते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा क्योंकि उनके
पास लोकी फर्गुसन जो है उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है, सीमेंट की हुई जगह। आप क्या समझते हैं कि अगर बॉलिंग लाइनअप में देखें तो वहाँ मॉरवुड, आर्चर, लिम प्लंकट और उनके साथ साथ जो दून के दूसरे फास्ट बॉलर हैं, यहाँ पे आप अगर बात करते हैं तो इनके पास भी बड़े स्ट्रॉन्ग फास्ट बॉलर मार्क हेनरी, लोकी फर्गुसन और ट्रेंट बोल्ट, तो बॉलिंग में आपको फास्ट बॉलिंग के डिपार्टमेंट में कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है? देखिए, नो डाउट न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, तो एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड के, ऑल दो इंग्लैंड के बॉलर तेज कर रहे हैं और लेकिन ये मसला ये है कि वो विकेट्स नहीं निकाल पा रहा। आपने खुद ही बोला था कि वो बड़े बड़े टारगेट दे देते हैं लेकिन वो डिफेंड नहीं कर पा रहे इंग्लैंड के बॉलर। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है न्यूजीलैंड की बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप अगर बात करेंगे टिम साउदी का आपने बोला कि अभी तक जगह नहीं बन पा रही, तो मेरा ख्याल है कि मैं बिल्कुल इनकी बात से मुत्तफिक करूंगा तौफीक साहब की कि केन विलियमसन बहुत ही एक चलाक कप्तान है और वो बिल्कुल टिम साउदी भी ऐसा बॉलर है, एक्सपीरियंस बॉलर है कि उसको मिडल ऑफ द टूर्नामेंट या फिर बिल्कुल आखिरी के टूर्नामेंट में अगर वो खिला दे तो प्रेशर नहीं लेगा क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि टिम साउदी बिल्कुल यूज़ होगा सेमीफाइनल में, एक बैट्समैन शायद वो लोग अपना कम करेंगे, ग्रैंड होम या फिर निशम में से कोई एक बैट्समैन वो अपना कम करके वो टिम साउदी को चांस देंगे। लेकिन ऑल ओवर न्यूजीलैंड के पास अच्छा पैकेज है बॉलिंग का, फास्ट बॉलर अच्छे हैं यहाँ पे, स्लो कराने वाले अच्छे हैं, सेटनर अच्छी, बल्कि सेटनर तो टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा बेहतरीन इकोनॉमिकल बॉलर जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड यहाँ पे अच्छा बॉलर। ऐड वन एक्स्ट्रा स्पिनर, जावेद भाई आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड को एक एक्स्ट्रा स्पिनर की ज़रूरत है इस मैच के लिए? क्योंकि अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाते हैं, शोडी को खिलाते हैं, तो उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नहीं, मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से इंग्लैंड की बैटिंग जो है वो क्लैश कर जाती है तो उनको ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ इनके बॉलर जो है पूरी तरह से काम कर रहे हैं और जहाँ बॉलिंग अटैक में आपने बात की फास्ट बॉलर्स में, तो उसमें भी जो है वो न्यूजीलैंड के, बिल्कुल मैं वासिक की बात से इत्तेफाक करूँगा, न्यूजीलैंड को अपर एज हासिल है कि इंग्लैंड के बॉलर जो है वो इस तरीके की बॉलिंग नहीं कर रहे कि वो विकटें निकालें, जबकि न्यूजीलैंड के बॉलर पूरी तरह से जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ बात करेंगे आप पाकिस्तान के मैच की, तो वहाँ उनकी बॉलिंग में डेप्थ तो नज़र आई, पूरी तरह से उन्होंने परेशान किया पाकिस्तान के बैट्समैन को भी, लेकिन जो बाबर आजम ने और हारिस सुहेल ने इनिंग खेली वहाँ न्यूजीलैंड के पास जवाब नहीं था कि वो पाकिस्तान। अभी हमारे पास भी जवाब नहीं है क्योंकि जवाब यूँ नहीं है कि प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो वेलकम बैक, लेजेंड लीग वर्ल्ड कप प्रेजेंट आईसीसी वर्ल्ड कप जुनून, और आज का जुनून जनाब है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के हवाले से हमने बात की कि न्यूजीलैंड की टीम के पास रीसेंट पास की परफॉर्मेंस की वजह से कुछ एज हासिल है और न्यूजीलैंड की टीम के कैप्टन जो है केन विलियमसन ज्यादा ब्रेव और ज्यादा समझदार कप्तान नजर आ रहे हैं अगर देख उनको कंपेयर किया जाए इन मॉर्गन के साथ। हम बात कर रहे थे बैटिंग बॉलिंग की, अब बात करेंगे फील्डिंग के हवाले से, और फील्डिंग की बात करेंगे हम अपने सीनियर एनालिस्ट जनाब शेब साहब से। शेब भाई मुझे बताइएगा कि फील्डिंग में आप कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है? सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कैच छोड़ने में पाकिस्तान के बाद सेकंड नंबर पे इंग्लैंड, जी जो सबसे सरप्राइजिंग बात है मेरे लिए, तो इंग्लैंड की से तो बेहतर न्यूजीलैंड ही होगी। और जहाँ तक इस मैच का ताल्लुक है, मैं जो चीज़ देख रहा हूँ ये एक बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और मेरे ख्याल में दो एक बहुत बड़ी इनिंग्स देखने को मिलेंगी, तो ये एक अच्छा मैच होगा, एक अच्छा मैच होगा। जी तौफीक भाई, फील्डिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, हमने बैटिंग और बॉलिंग की बात की, फील्डिंग को अगर देखा जाए तो फील्डिंग में इंग्लैंड की फील्डिंग बड़ी पुअर रही है लेकिन न्यूजीलैंड अच्छी फील्डिंग कर रहा है, तो क्या समझते हैं फील्डिंग में भी न्यूजीलैंड का हासिल है? देखिए, फील्डिंग जाहिर है इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो अंदाज़ है उनकी फील्डिंग करने का, अच्छा फील्ड एडजस्टमेंट भी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो जो कप्तान करता है और हर बॉलर से मिलके, तो वो चीज़ें कर रहे होते हैं और आपके गैप्स कम होते हैं और आपको पता होता है किस एरिया में गेन करनी है और किस एरिया में गेन करवानी है आपने बॉलर से, तो ये सारे रोल है कप्तान का जो कि ग्राउंड के अंदर वो सारा रोल प्ले कर रहा होता है और उसमें वो जाहिर है विलियमसन की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो इन चीज़ों को समझता है। अब बात आप जिस तरह से कर रहे थे कि एस सूदी को खिलाया जाए, हकीकत यह है कि इंग्लैंड आप देखें कि उसको आदिल रशीद को थ्रू आउट इस पूरे टूर्नामेंट में खिला रहा है, अगर आप ताहिर की बात करें वो थ्रू आउट खेल रहे हैं, तो मुझे हैरत ये है कि इन्होंने इनकी क्या स्ट्रेटजी, जाहिर अपनी उन्होंने बनाई होगी, उनका गेम प्लान होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी बड़े ब्रेक भी करता है उनका, बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकता था लेकिन इन्होंने नहीं किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जाहिर सेमीफाइनल के लिए तो ये है और जो ये मैच होने जा रहा है, जाहिर इस वक्त तीन टीमें बचती हैं जो कि सेमीफाइनल की दौड़ में है, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, जी ये तीन टीमें हैं, तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त
उपयुक्त जगह पर आ गया ये टूर्नामेंट, और वही बात हम कर रहे थे कि ये इसी तरह के टूर्नामेंट इस ऐसी ही फॉर्मेट पे होना चाहिए ताकि आखिर तक किसी भी टीम के चांसेस हों, क्योंकि इससे पहले जो फॉर्मेट थे 92 के बाद से अब ये दोबारा हुआ है, तो बीच के जो टूर्नामेंट हुए हैं जितने भी वो ऐसे हुए हैं कि जिसकी वजह से दो दो मैच के बाद वो टीमें बाहर हो जाती थी और वो रिजल्ट क्लियर हो जाता था और मुश्किल होती थी। ये वो मैं समझता हूँ कि फॉर्मेट है जिसमें के आइंदा भी ऐसा ही होना चाहिए ताकि हर टीम को पूरा पूरा मौका मिले और अपनी परफॉर्म करने का। तो अब तक देख लें कि जो पोजीशन है उसमें क्लियर नहीं हो रही है, तीन टीमें जरूर चली गई हैं, एक टीम का फिर मसला आया हुआ कि उनमें से चार तीन टीमों में से कौन सी एक टीम जाएगी। तो ये बड़ा जबरदस्त ही फॉर्मेट है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। और हम 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं, आपने देखा होगा वासिक कि हम क्रिकेट में बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग हर दोनों टीम के हवाले से उनकी कैप्टनसी का भी बात करते हैं, फिर कोचेस की भी बात करते हैं, और कोचेस के साथ साथ हम ग्राउंड कंडीशंस पे बात करते हैं, और ग्राउंड कंडीशन के साथ हम टारगेट पे भी बात करते हैं। अभी हम फील्डिंग की बात कर चुके हैं, बैटिंग बॉलिंग की बात कर चुके हैं, अब आप क्या समझते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी जो है न्यूजीलैंड के लिए फाइनल जो है वो बेनिफिट होगी, क्या एग्रेसिव क्रिकेट या डिफेंसिव क्रिकेट? सर, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं जो आपने पहले सेगमेंट में जो बात करी थी वो कैप्टनसी एन मॉर्गन और केन विलियमसन की जो मुवाजना किया था उसमें मैंने बोला कि मैं कप्तानी में मॉर्गन को एज देता हूँ, तो मैं उस लिहाज से बोल रहा था कि एज अ बैट्समैन जो है वो कप्तानी में एज अ कैप्टन और कैप्टन हो गया अच्छी बैटिंग, अच्छी बैटिंग मॉर्गन करता, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरीके से ये लोग बोलते हैं केन विलियमसन भी कोई बुरी बैटिंग नहीं कर रहा, रन ज्यादा ज्यादा बैठे अगर आप उनको प्रेफर वो करेंगे। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, जो कह दिया कह दिया, उस पे स्ट्रांग रहे हैं आप जी, बोले कुछ मार्क्स और यंग एनालिस्ट ही तो है, आप लर्न कर रहे हैं। तो नहीं, एज अ कैप्टन मैं विलियमसन को ज्यादा रेट करूंगा, लेकिन एज अ बैट्समैन जो है मैं बिल्कुल हां इस बात को क्लियर करने की जरूरत थोड़ी है बेटा, आपका सवाल मिस कर गया आप दोबारा से। मैंने कहा था कि हम 360 डिग्री पे बिल्कुल एनालिसिस करते हैं टीम्स का, टीम का मुवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उस कंपैरिजन में बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की बात की। अब हम आ रहे हैं सोल्यूशन की जाने, क्योंकि सोल्यूशन क्या है, इस पे क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएगी न्यूजीलैंड या इंग्लैंड कि उनकी जीत के चांसेस ज्यादा ब्राइट हो जाए। बिल्कुल देखें, वैसे तो इंग्लैंड के लिए बहुत प्रेशर मैच है, लेकिन मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड बहुत नॉर्मल होकर के खेलेगी, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेगी, जो उनका तरीका है वो गप्टेल और मोनरो के से पे डिपेंड करते हैं कि उनको फायर स्टार्ट करके दें। अगर गो विद एग्रेसिव क्रिकेट, बिल्कुल नहीं एग्रेसिव वो लोग न्यूजीलैंड जो वो पार्ट्स में खेलते हैं कि वो अपने ओपनर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्रेसिव खेल करके दें हमें, और फिर मिडिल ऑर्डर से जो है वो एक्चुअली यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है वो आराम आराम से टाइम लेकर के टीम को मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के लिए, और जो लेट मिडिल ऑर्डर जो इनका होता है निशम हो गया और मैंने तो आपसे ये भी पूछा है, आर यू बात यू नॉट अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ इज लिटिल डिफरेंट, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि दे विल गो विद एग्रेसिव क्रिकेट आर दे विल गो विद डिफेंसिव क्रिकेट। नहीं, जो इनका कन्वेंशनल जो तरीका है जो कि खेलते हैं रिवायती तरीका टाइम लेकर के इनिंग को जो बिल्ड करने का, एग्रेसिव या डिफेंसिव है? डिफेंसिव मतलब वो चले आपसे बात करेंगे जावेद भाई, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इन्हें कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए कि जिसकी बेस पे ये वो टारगेट जो भी सेट करती है इंग्लैंड उसको डिफेंड कर सके। एग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए और पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है कि एग्रेसिव खेलें और प्रेशर हैंडल करना आता है कि विलियमसन को देखें, जिस तरीके से पाकिस्तान के मैच में जब उनके 100 रन के अंदर 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, विलियमसन ही थे जो 41 रन की इनिंग खेल कर ले गए, और फिर बाद में आने वाले बैट्समैन निशम और वुड ने रन किए, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि इन्हें एग्रेसिव ही क्रिकेट खेलना पड़ेगी और उसी अप्रोच से जाएंगे। और जिस तरह वन लाइनर फ्रॉम योर साइड, हु इज गोना विन दिस मैच टुडे? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, वन लाइन फ्रॉम योर साइड? न्यूजीलैंड। तौफीक भाई जी न्यूजीलैंड। सर मैं रिजल्ट बताने पहले मैं एक दोनों टीमें जो भी बैटिंग करती है नॉर्मल क्रिकेट खेलें, पहले 24 ओवर में 2-3 आउट हो, 130-135 रन के करें, उसके बाद अपने अटैकिंग। सो हु इज गोना विन टुडे सर? आई थिंक इंग्लैंड। यू गो विद इंग्लैंड। थैंक यू शोएब भाई आपकी तशरीफ आवरी का, तौफीक भाई आपका बहुत शुक्रिया, वासिक आपका बहुत शुक्रिया, और जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे एनालिस्ट ने अपने अपने व्यू पॉइंट बताए, सिर्फ शोएब भाई का कहना है कि इंग्लैंड के चांसेस हैं, बाकी तौफीक भाई जावेद भाई और वासिक का कहना यह है कि आज न्यूजीलैंड जीत रहा है। देखिए आज कौन जीता है, लेकिन पाकिस्तान की तवक्कात यह है कि आज न्यूजीलैंड जीते, इंग्लैंड ना जीते, क्योंकि इंग्लैंड अगर मैच जीत गया तो 2 पॉइंट्स हासिल कर लेगा और फिर उसके चांसेस सेमीफाइनल में जाने के ब्राइट हो जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक बड़ा ही स्ट्रांग मैच होने
सवाल आया जनाब, उस मैच को भी देखने जाए के लिए बहुत लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं और आज के मैच को भी बहुत से लोग फॉलो करेंगे। आज कोई भी जीते, पाकिस्तान की जीत के लिए ये लाजमी है कि आज न्यूजीलैंड जीत जाए, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम अवाम चाहती है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप एक दफा दोबारा 92 की वो याद ताजा कर दे जो कि इमरान खान की कप्तानी में हमने वर्ल्ड कप जीता था, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान आए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के लिए खेलो, पाकिस्तान से मत खेलो। जाते जाते आपसे सिर्फ इतना ही कहना कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। आमिर खान साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।